गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी ने 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लडेड फैक्ट्री की मिली सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को प्रदान किया भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। कहा, अपराधी व उसके संरक्षण दाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन। गैंग लीडर भोला कुशवाहा सहित चार जालसाजों मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा उर्फ घुरे एवं अनिल कुशवाहा के ऊपर राजघाट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंग हत्या का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय का चलेगा अभियान। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को किया गया है चिन्हित। सेल्फी पॉइंट्स रेहड़ी पटरी वालों को जगह किया जाएगा आवंटित। प्रमलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में गुरुवार से उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का किया जाएगा शुभारंभ। विजय खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 दिसंबर को किया जाएगा सम्मानित। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही ने दी जानकारी। चार दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुए संपन्न। ने कहा, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को किया जा रहा है आमंत्रित ताकि ऐतिहासिक हो सके निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन। सेंट एड्यूज कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना। टीबी अस्पताल नंदा नगर के 45 कर्मचारियों ने संविदा बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। संविदा बहाली की मांग। और एमएसआई इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने केमिस्ट्री लैब का किया शुभारंभ। कहा, इस समय विज्ञान का है समय, केमिस्ट्री लैब से बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा।